राजनीति में हूँ और हम लोगों को बहुत सी चीज़ें समाज में देखने को मिलती हैं, और एक आम आदमी भी आज की तारीख में देख रहा है कि जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है, इन्होंने वाकई में संविधान को ताक पे रख दिया है और जो चाहते हैं अपने हिसाब से, अपनी मनमर्जी से वो सब कर रहे हैं। और ये लोगों की शंका बिल्कुल सही है कि ये भारतीय संविधान को नहीं, मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं। अभी जिग्नेश मेवानी ने युवा हुंकार रैली की, उसमें पूछा भी सरकार से, प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा भी कि आप संविधान चुनना चाहते हैं या मनुस्मृति। लेकिन जितनी भी कार्य प्रणाली है उनकी, वो वही है जो मनुस्मृति में है कि जबरदस्ती जो हम चाहते हैं वो ठीक है, बाकी जो कह रहा है उस वो सब गलत है। तो ये सब उसी को लागू करना चाहते हैं। और हर प्रदेश में देख लीजिए जहाँ जहाँ भी हैं, एक केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े की बात नहीं है, हेगड़े हैं और भी हैं। मैंने देखा कि एक टीवी चैनल पर तो एक मंत्री ने बात करते हुए यहाँ तक कह दिया कि भाई भाजपा जो है वो चमार चूहड़ों की पार्टी नहीं है। जी जी हाँ। जब जो एंकर थे उन्होंने कहा कि भाई जो आप कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, आप पे एससी एसटी में जो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, बेहतर ये जितनी जल्दी हो सके आप माफी मांगे, तो फिर उसने माफी मांगे। तो जहाँ इस मांगने का भी तरीका एक बहुत गंदा था। निश्चित, देखिए आप किसी को बेइज्जत कर दीजिए उसके बाद माफी मांगिए, और एक व्यक्ति को नहीं, आप पूरे समाज को बेइज्जत कर रहे हैं, तो माफी का क्या मतलब होता है? जी है नहीं है। और आप वहां एक टीवी चैनल पर बैठ के कर रहे हैं, न्यूज चैनल पर बैठ के आप ये सारा कर रहे हैं, तो इससे इनकी मानसिकता दर्शित होती है। ये चाहते ही हैं कि संविधान बदल जाए और मनुस्मृति लागू हो, लेकिन इस देश के लोग अब बैठे नहीं रहेंगे, इनकी मनमर्जी चलने नहीं देंगे। आने वाला 2019 का जो इलेक्शन है, ये देश की जनता, ये लोग इन्हें बता देंगे और इन्हें सबक सिखा देंगे कि जो संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं आप, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत दूर की बात है, पहले तुम सत्ता में ही आके दिखा देना। लेकिन इन्होंने कहीं भी मनमानी करने में कसर नहीं छोड़ी है।